Hello guys, good morning. I am Atul Kumar from LN Biology Classes Online. चलिए आज आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे सारे के सारे मेंडेलियन क्रॉसेस का रेशियो और जितने भी टाइप्स ऑफ गैमी जीनोटाइप फिनोटाइप सारे के सारे चीज बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का मतलब कि इस तरह से कमेंट्स है कि सर आप ऐसा फॉर्मुलेशन करो। हालांकि मैंने फॉर्मूला बार बार बताते आया हूँ, शुरू से भी बताते आया हूँ, तो अभी मैं वो करूँगा। जो एक चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में सारे के सारे चीज को मैं लिखने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। मतलब कि वो सारे के सारे चीज को आप फाइंडिंग कर सकते हो, जो जीनोटाइप फिनोटाइप जो भी रेशियोज है उस रेशियो को आप फाइंड कर सकते हो इजी गोइंग। मतलब कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप फॉर्मुलेशन के थ्रू कर सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, इसको आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से हो रही है। तो आप बहुत सारे बच्चे जो है आपने पूछा है कि सर कोई क्विक मेथड बताइए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने क्रॉस है जीनोटाइप फिनोटाइप गैमेट जायगोट सारे के सारे चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए कि आपको मैंने क्या कहा है कि ये जो दिख रहा है बेटा, ये F1 ठीक है ना, हेटरोजाइगस सेल्फिंग की बात करते हैं, ठीक है, दिखता है ना रेड मार्कर से। चलो कोई बात नहीं, मैं ब्लैक चलाता हूँ। तो ये कंडीशन है कि मोनोहाइब्रिड की बातें करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में आपको बताया है कि मैं एक ही कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर को मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे हाइट को लिया, तो जब यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, जितने हेटरोजाइगस होगा उसका नंबर n रिप्रेजेंट करेगा। ये तो पता है, पहले से पता है। यहाँ पे यदि हमारे पास एक ही है मोनोहाइब्रिड, दैट मींस कि एक कैरेक्टर की बात करेंगे, डायहाइब्रिड दैट मींस कि दो कैरेक्टर की बात करेंगे, ट्राइहाइब्रिड दैट मींस थ्री कैरेक्टर की बात करेंगे। तो जो भी पावर होगा रेंज होगा, तो यहाँ पे यदि हम जीनोटाइप टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करते हैं मोनोहाइब्रिड के कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या करोगे कि 2 to the power n की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, n की वैल्यू कितना है 1, n की वैल्यू कितना है 2, n की वैल्यू कितना है 3, मतलब कि तीन तीन कैरेक्टर को लेके आप देख रहे हो, ठीक है, तीन जो है हेटरो मतलब कि उसके हेटरोजाइगस के कंडीशन कितना है 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, अरे मोनोहाइब्रिड, तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट कितना बनेंगे बेटा, 2 गैमेट बनने वाले हैं। तो ये देख लो ना, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कितने गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल डी और स्मॉल आ जाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे ट्राइहाइब्रिड के कंडीशन, पहले मोनोहाइब्रिड में सारे के सारे वहां तक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में यदि गैमेट हमारा इतना है, तो ये 2 की पावर 1 तो क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 1, तो कितना हो गया भैया, यहाँ पे जायगोट कितना हो जाएगा बेटा, जायगोट कितने होंगे 4, ठीक है ना, जायगोट कितना 4। यहाँ पे आप बात करते हो कि नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करें, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप के कंडीशन में यहाँ पे वही क्या वही सारे के सारे चीज आ जाएंगे, दिख रहा है ना, मतलब कि रेशियो जो निकालेंगे आगे चलकर फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो निकलेगा, तो 2 की पावर 1 तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे फिनोटाइप कितना, दो तरह से दिखेगा। मतलब कि ये कंडीशन आपको दिखने जा रहा है, यहाँ पे मैं F1 को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे आपको यदि हम फिनोटाइप को दिखाया, यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिनोटाइप के कंडीशन मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में आप रेशियो की बात करते हो, रेशियो की बात करते हो, तो 3:1 ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जीनोटाइप का, तो इसका रेशियो की बात करते हैं 1:2:1, यहाँ पे तो 3 to the power n तो 3 की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है, 3 हुआ। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे 3:1 है, इसके पावर कितना 1, तो कितना हो गया 3:1, यही पे यही बात करेंगे, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम फिनोटाइपिक जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइपिक जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस की बात करते हैं, तो 1:2:1 इसकी पावर 1 तो आ जाएंगे कितना 1:2:1, ठीक है। अब ये हमारा मोनोहाइब्रिड का सारा किस्सा खत्म हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सारे के सारे चीजें आपने देखा, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे अपने को देखना है क्या बेटा कि डायहाइब्रिड के कंडीशन में यहाँ पे हेटरोजाइगस है भैया, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये, तो आप
आपको यहाँ पे बताया था कि बेटा चार तरह के गैमेट बनने वाले हैं, ये तो दिमाग में आ जाए। तो जैसे ही हम n इक्वल टू 2 करेंगे तो 2 की पावर कितना, 2 तो आ गया कितना बेटा 4 हो रहा है। चार तरह का गैमेट बन रहा है, कौन कौन सा, कैपिटल टी भी बनेगा, स्मॉल टी भी बनेगा, कैपिटल आर भी बनेगा, स्मॉल आर भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो इसका मतलब है कि बेटा 4 की पावर n, 4 की पावर n, और n इक्वल टू कितना दिख रहा है ना, n इक्वल टू कितना 2। ये हेटरोजाइगस के कंडीशन में एक तो ये हो गया, एक दो हेटरोजाइगस हमें मिल रहा है, तो 2। तो इस कंडीशन में 4 की पावर यदि 2 करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया बेटा 16, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे फिनोटाइप का, फिनोटाइप का नंबर ऑफ फिनोटाइप का, तो 3:1 के पावर कितना 2, तो इसका मतलब है 3:1 को 2 बार लेंगे तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:3 = 9, 3:1 = 3, फिर जो है ये हमारा खत्म हो गया, ये 3:1 = 3, 1:1 = 1, तो आपका रेशियो कितना आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो टाइब्रिक क्रॉस के कंडीशन में कितना, 9:3:3:1, 9:3:3:1। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे जीनोटाइप की कंडीशन में, तो आपको जीनोटाइप के कंडीशन में यहाँ पे आ जाओ तो आप क्या करोगे कि 3 to the power कितना बेटा n का कितना 2, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 9। तो कंडीशन क्या है कि ये जो दिखेगा, ये कंडीशन आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा 9 दिख रहा है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे इसमें, तो 3:1 अब क्या कंडीशन है कि ये जो है ये रेशियो वहां पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें 3 का जो है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो 2 की पावर कितना देंगे 2, तो कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फिनोटाइप, 4 तरह के फिनोटाइप आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो रेशियो दिख रहा है बेटा कि 3 मतलब कि 3 की पावर 2 तो कितना हो गया 9, मतलब कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना हो गया 9, लेकिन फिनोटाइप कितना है 4, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना 9। अब यहाँ पे इस रेशियो का जो यहाँ पे मैंने फाइंड किया था उसी को क्या करेंगे, ये 2, तो 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1, जिस तरह से मल्टीप्लाई किया था 9:3:3:1 आ गया। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा 1:2:1 के पावर 2, तो क्या कंडीशन है कि हैबिट है, तो अब क्या करो कि 1:2:2:1 इसको मल्टीप्लाई करो 1:2:2:1 से, तो आपको दिखता होगा कि क्या करें, पहले तो 1 से सारे के सारे को मल्टीप्लाई करो तो 1:2:2:1, फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और 2 1 = 2, फिर जो है 1 से सारे के सारे करो तो 1:2:2:1, इतने रेशियो आ गए। तो ये हमारे कितना किसका है, डायहाइब्रिड क्रॉस का है जीनोटाइपिक, ये क्या है गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, और ये क्या हो गया जीनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड, क्या बेटा डायहाइब्रिड के कंडीशन में ये रेशियो आया। चलिए अब अपने को देखना है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन में, तो n इक्वल टू कितना हो गया 3, यहाँ पे जैसे ही n इक्वल टू 3 करेंगे तो हमें 2 की पावर कितना करना पड़ेगा 3, तो हमें गैमेट कितना मिल जाएगा, अरे भैया इसको इसको आप क्या करो कि 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो गैमेट कितने बनेंगे 8, कितने हेटरोजाइगस 1, 2, 3, कितने हेटरोजाइगस 3, तो इतना हो गया। अब इसमें गैमेट की बात करते हैं, गैमेट की बात हो गया 8, यहाँ पे जायगोट की जैसे ही बात करेंगे तो 4 की पावर कितना बेटा यहाँ पे 3, तो क्या करोगे 4 × 4 × 4 कितना हो गया 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 आ रहा है ना। अब ये कंडीशन आगे की तरफ बढ़ती जाए, अपने को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है, तो 2 की पावर कितना करोगे 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 8।
तो यहाँ पे जितने जीनोटाइप देखो देखो टाइप ऑफ गैमेट दिख रहा है उतने ही आपको फिनोटाइप हर जगह दिखता होगा, चाहे मोनोहाइब्रिड हो, डायहाइब्रिड हो या ट्राइहाइब्रिड हो। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि जीनोटाइप की बात करते हो तो तीन की पावर कितना बेटा, तीन, तो कितना हो जाएगा तीन, ठीक है ना, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, कितना, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा कितना हो गया जी, अरे भाई बोलो तो 27, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देखो हमारे पास डायहाइब्रिड का इतना आ गया, मतलब कि यहाँ पे 3:1 फिनोटाइप के कंडीशन में तीन करेंगे तो 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3:1 से, तो ये रेशियो हमें ये मिलता हुआ नजर आ रहा है कितना 9:3:3:1, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 से, हो जाएगा। अब कर लोगे तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप, ये 3 से करिए, 9 किया 27, 3:3 9, फिर 3:3 9, ठीक है ना, और फिर 3:1 3:1 3, अब 1 से करो तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और फिर 3 फिर 3 फिर 1, तो ये रेशियो मिलता हुआ नजर आ रहा है, कितना लंबा चौड़ा है आप खुद से कर सकते हैं, और आपके लिए ये क्या कि 1:2:1 के पावर कितना 3, इसका मतलब है कि आप क्या करोगे 1:2:1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1:2:1 से, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रेशियो ये आता है, और इससे क्या करोगे 1:2:1 फिर जो है 2:4:2:1:2:1 इसको मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क, आप करके दिखाना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक टेक्निक है टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट जो भी क्रॉसेस आपको दिख रहा है मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड जो भी, उसमें क्या कर रहे हैं आप रेशियो फाइंड कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।